नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 26 फरवरी 2020 है। 26 फरवरी 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार विधानसभा में NRC नहीं लागू होने का प्रस्ताव पारित हो गया है। सर्वसम्मति से सदन में प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही NPR का नया प्रारूप भी बिहार में लागू नहीं होगा। वर्ष 2010 के आधार पर ही NPR लागू होगा। इधर तेजस्वी ने BJP पर जोरदार हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमारी मांगे पूरी हुई, BJP वाले माथा पकड़े टुकुर टुकुर देखते ही रह गए। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान CAA, NRC और NPR पर खूब हंगामा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को जवाब दिया। CM ने CAA का खुला समर्थन किया, साथ ही कहा कि यह केंद्र का कानून है, यह सच है या गलत सुप्रीम कोर्ट ही जाने। CM नीतीश कुमार अचानक विपक्षी नेताओं को भाने लगे हैं। पहले तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार से मुलाकात की और NPR पर उनके स्टैंड के लिए उन्हें थैंक यू कहा। इसके बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी CM से मिले और उन्हें थैंक यू कहा। के भोजपुर के नासरीगंज सकड़ी हाईवे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रक ड्राइवर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर गायघाट गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने साइड नहीं दिया तो गोली मार दी गई। मृतक ट्रक ड्राइवर का नाम प्रमोद कुमार बताया गया, वह मिस्ट्री लाल का पुत्र था। कहा जा रहा है कि मृतक अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। दूसरी ओर भोजपुर जिले के NH-30 पर नायका टोला के समीप एक अधेड़ की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। इस घटना में अधेड़ का गुप्तांग भी काट डाला गया। मृतक के बदन पर होमगार्ड की वर्दी है, इससे लग रहा है कि मृतक होमगार्ड का जवान था। इधर बेगूसराय में लूटपाट का विरोध करने को लेकर अपराधियों ने एक ट्रक चालक को गोली मार दी। ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी चालक का नाम शंभु यादव है, वह मूल रूप से मुंगेर का निवासी बताया गया। वह ट्रक पर बालू लोड कर खगड़िया जा रहा था। पटना जिले के जेठुली गांव निवासी अर्जुन खलीफा के 16 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार की हत्या कर दी गई और लाश को पेड़ पर लटका दिया गया। घटना से ग्रामीण काफी आक्रोशित भी हुए और हंगामा भी किया। बाद में पुलिस के समझाने पर मामला शांत हुआ। एक महिला जालसाज ने फोन पर चिकनी चुपड़ी बात कर नौकरी का झांसा देने की बात बताते हुए कि इंजीनियर से किस्तवार 6 लाख रुपये ठग लिए, रुपये ऑनलाइन भुगतान किया गया है। पीड़ित इंजीनियर पटना के रानीपुर का है, उसका नाम जितेंद्र कुमार बताया गया। जितेंद्र को जब मालूम हुआ कि वह जालसाजी का शिकार हो गया है तो उसने फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया। दर्ज मामले में कहा गया है कि उससे टाइटन विमानन कंपनी मुंबई के नाम से फोन आया था। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर बहाली का वादा किया गया था। बिहार में 2425 स्पेशलिस्ट डॉक्टर समेत करीब 6000 डॉक्टरों की बहाली होगी। प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। लैब टेक्नीशियन के भी करीब 1800 पदों पर बहाली होनी है। बेमौसम बारिश ने बिहार में 8 लोगों की जान ले ली। दरअसल वर्षा के साथ तेज हवा और तड़ित का प्रकोप काफी ज्यादा हो गई थी। तड़ित यानी ठनका गिरने से अलग अलग जगहों पर 8 लोग मरे और कई झुलस गए हैं। ठनका से मरने वालों में बांका, औरंगाबाद, मुंगेर, मोतिहारी, छपरा और गोपालगंज जिले के लोग हैं। मुंगेर के बिहवे गांव में तो एक महिला और 2 लड़कियों की जान चली गई। इस बीच हम आपको बता दें कि मोतिहारी में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, वह लग रहा है कि चादर बिछ गया है सड़कों पर। पूर्णिया शहर के बाईपास रोड स्थित उफरेल चौक पर जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक पुलिस की मांग स्थानीय लोगों ने किया है। इस चौक पर बड़ी संख्या में लोग बाईपास रोड क्रॉस करते हैं, हमेशा खतरा बना रहता है। खासकर स्कूली बच्चों को लेकर परेशानियां बढ़ी हुई हैं। भागलपुर जिले के गोसाई गांव के पास CSP संचालक से बदमाशों ने 60,000 रुपये लूट लिया। पीड़ित CSP संचालक का नाम कुंदन कुमार है। घटना तब घटी जब वह बैंक से रुपये निकालकर CSP जा रहा था। थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है। नालंदा में एक ट्रक की चपेट में आने से 9वां पंचायत के मुखिया मनोज कुमार के पुत्र की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 24 वर्ष थी, उसका नाम अभिषेक भारती था। नालंदा में राजगीर खुदागंज मार्ग पर पंचरुखिया गांव के पास 2 महिलाओं को डाक पार्सल वाहन ने रौंद दिया। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी घायल है। मृतका पंचरुखिया के रामेश्वर सिंह की पत्नी शारदा देवी थी।